प्रदेश में दो बार सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में फिर से परिवर्तन होकर रहेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। बड़सर के बिजड़ीताल स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन चौधरी महिला सम्मेलन में संबोधित कर रही थी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि गुड़िया प्रकरण और हुशियार सिंह मर्डर केस को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साध्वी ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की देवभूमि नाम को शर्मसार किया है। हालांकि जनसभा में बारिश ने खूब खलल डाला और जल्दबाजी में कार्यक्रम का समापन करना पड़ा। हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बिजड़ी ताल स्टेडियम में भारी बारिश के बीच बीजेपी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन चौधरी ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, माया शर्मा के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई। साध्वी निरंजन चौधरी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए कहा। साध्वी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर के पिता के नेतृत्व में प्रदेश में इस बार फिर से परिवर्तन हो करेगा। साध्वी ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और प्रदेश ऋषि मुनियों की देवभूमि को प्रदेश सरकार ने शर्मसार किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में यहाँ सरकार रही है, आदरणीय अनुराग जी के पिताजी, मैं बहुत वर्षों से उनको जानती हूँ, उनके नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होकर के रहेगा। लेकिन अभी मैं दो तीन बातें आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मैं इसके पहले जून में भी आपके यहाँ कुल्लू में आई थी, वहाँ भी मुझे जानकारी मिली थी इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। चाहे कोई बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, चाहे किसी की हत्या की जा रही हो, जो प्रदेश देव स्थान के रूप में जाना जाता रहा है, जो प्रदेश ऋषियों की तपस्या रही है, जिस प्रदेश में बैठ करके ऋषियों ने ऋचाओं की रचनाएं की, लेकिन उस प्रदेश में गुड्डी जैसी बालिका का अपहरण होकर के उसके साथ रेप हो, ये देवभूमि नहीं कहलाई जा सकती। मुझे दुख होता है, इतनी घुटना रह रहा, इतना आग लगी है पानी में, काजल बिंदिया चूड़ी सब कुछ लुट गए, भरी जवानी में सब सुख सब श्रृंगार लुट गया, मान भरा सिंदूर लुट गया, बच्चों की मुस्कानें लुट गई, बूढ़ों का लुट गया सहारा, हर अक्षर आंसू की धारा, मेरी कविता दर्द तुम्हारा। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रदेश में आज हर वर्ग दुखी है। प्रदेश की मुखिया अपने केसों में व्यस्त हैं और जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जंगल राज की सरकार बन गई है और ऐसी सरकार से हर कोई मुक्ति पाना चाहता है। मैंने है बोले तो ये तो यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ गया, इसने इतना जंगल राज यहाँ पर चलाया है। अरे ऐसा जंगल राज ये कांग्रेस का है, जो जंगलों में वन माफिया सक्रिय है, हुशियार सिंह जैसे नौजवान को मारकर जंगलों के बीच में हत्या कर दी जाती है, प्रदेश सरकार चुप रहती है। अरे ऐसा जंगल राज है, हमीरपुर ऊना के छोटे बच्चों को अगवा करके मार दिया जाता है, उनके हत्यारों को पकड़ नहीं पाती है। ऐसा जंगल राज है कि शिमला में एक छोटे बच्चे को मारकर पानी की टैंकी में डाल दिया जाता है और शिमला के हजारों लोग कई महीनों तक वो गंदा पानी पीकर बीमार रहते हैं, 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा जंगल राज है जहां पर सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें पिछले 3 महीनों में चली जाती हैं। ये ऐसा जंगल राज है जहां धर्मशाला से लेकर शिमला तक प्रदेश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं। काश कांगड़ा की बेटी को बचा लिया होता तो शिमला की बेटी के साथ वो नहीं होता। जिस गुड्डी और गुड़िया की बात साध्वी निरंजन ज्योति जी कर रही थी, उन्होंने मेरे दिल के दर्द को देखा है। संसद में कोई राजनीतिक विषय नहीं था, ये एक भाई के नाते, एक प्रदेश के प्रतिनिधि के नाते मेरे मन में वो पीड़ा थी कि 16 दिसंबर 2012 को जब दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ, उसके साथ बलात्कार करके उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, उससे कम हमारे प्रदेश की गुड़िया के साथ नहीं हुआ।
उन्हीं जंगलों में उसकी चीखों पिकार की बेटी चिल्लाती रही, वीरभद्र का प्रशासन सुन नहीं पाया। वो छोटी सी बच्ची न्याय के लिए गुहार करती रही, वीरभद्र और प्रतिभा सिंह सुन नहीं पाई। बीजेपी के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मंत्री है और प्रदेश को मुख्यमंत्री ने बदनाम कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नालायक सरकार है और केंद्र के पैसों को खर्च करने में नाकाम सिद्ध हुई है। बलदेव शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बड़सर को कुछ नहीं दिया और इस कारण बड़सर का विकास रुक सा गया है। केंद्र में बोलने वाला नहीं हूँ, आज हिमाचल सरकार का कोई नाम नहीं है। कौन चला रहा है? रिटायर अधिकारी यहाँ की पुलिस जेल में है, वीरभद्र जेल पे है। आप जानते हैं ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आए दिन हत्याएं, घोटाले, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार और जो घोटाले हो रहे हैं, और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, हिन्दुस्तान का सबसे कोई भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री है तो वीरभद्र है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जवान लड़े है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, आज हर हिंदुस्तानी का मान सम्मान बढ़ा है और हमारे हिमाचल को भी करोड़ों रुपया दिया प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। यहाँ की नुलाई सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, लगभग 1,00,000 करोड़ से ऊपर पैसा हमने दिया है। सड़कों के लिए 60,000 करोड़ रुपया दिया, 4 मेडिकल कॉलेज दिए, एम भाई दास को अपना दिया अनुराग जी ने, उन्हें हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए 250 करोड़ रुपया भाई अनुराग जी ने दिलाया। और मैं बस वालों को बधाई देता हूँ कि भाई अनुराग जी ने उन्हें से हमीरपुर जो सर्वे कराया वो बस से होकर रेल कर जाएगी, इसके लिए भाई अनुराग जी का धन्यवाद, आपको बधाई।